हे गाइस, आज ना हम आप सभी को इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप अपने आईडी को, आप अपने रिटेलर आईडी को, आप अपने मन पसंद डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना आईडी कैसे ट्रांसफर कर पाइएगा। जैसे आप अभी आईडी चला रहे हैं रिटेलर का और आप चाह रहे हैं कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में मैं शामिल हो जाऊँ, आपका डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में आप कैसे जाए। एनी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ का उपाय है, जो माध्यम से आप कराना चाहेंगे वो माध्यम से। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप अपना रिटेलर आईडी मन पसंद डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे ट्रांसफर कर पाइए, कैसे मैपिंग कराइए उनके पास। तो आज ना होली है और आप सभी को आज दिल से हैप्पी होली। और चलिए मैं स्क्रीन पर आपको ले चलता हूँ कि कैसे आप मन पसंद डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना आईडी ट्रांसफर करा पाइएगा, मैपिंग करा पाइएगा। तो आ जाइए स्क्रीन। तो दोस्तों, फाइनली सबसे पहले आपको आना है अपने पे नियर बाई ऐप में। तो चलिए पे नियर बाई ऐप ओपन करते हैं। और पे नियर बाई ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। और यहाँ करना क्या है आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ थ्री लाइन है, थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है, थ्री माइनस लाइन पे। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो चलिए, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है कंप्लेंट एंड इंक्वायरी। तो कंप्लेंट एंड इंक्वायरी पे क्लिक करना है। तो चलिए, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आ जाना प्लस के आइकन पर। यहाँ जो नीचे प्लस दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना। तो चलिए, इस पर क्लिक करते हैं। और उस यहाँ आ गया सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। तो सबसे ऊपर सिलेक्ट प्रोडक्ट पर आने के बाद अकाउंट एपीएससी तरह का इंटरफेस आता है। तो सबसे नीचे से कुछ ऊपर टर्मिनल पर आना है। यहाँ आप देख रहे हैं टर्मिनल पर, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ मैपिंग जो दिख रहा है, मैपिंग पर क्लिक किए। आप अपना आईडी दूसरे के पास मैपिंग करा रहे हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो पहले मैपिंग करा लीजिए, ठीक। और जो यहाँ आपको जो प्रॉब्लम लग रहा है, जो माध्यम से कराना चाहेंगे, या डिस्ट्रीब्यूटर केवाईसी के माध्यम से, या डिस्ट्रीब्यूटर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है उसकी वजह से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस पर मैपिंग पर क्लिक करते हैं। और यहाँ से पूछा जा रहा है रिटेलर एंड वरंग मैपिंग डिस्ट्रीब्यूटर, यानी ये पूछ रहा है कि आप गलती से किसी और भी आपको मैपिंग हो गया, वो सही करना चाह रहे हैं या कैसे। तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं और यहाँ आप चाहे अपने मनपसंद डिस्ट्रीब्यूटर के पास मैपिंग कराना, तो यहाँ देख लीजिए कई उपाय दिख रहा है। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। रिक्वेस्ट फॉर री मैप द रिटेलर आईडी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। तो नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं आप अपना आईडी, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह के इंटरफेस आ जाता है ट्रांजेक्शन आईडी। तो यहाँ आप नहीं डालिए, अगर डालना चाहेंगे तो मोबाइल नंबर डाल दीजिए, लेकिन नहीं डालिए। यहाँ आप अपना नंबर और नीचे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर और रिमार्क में कुछ लिख दीजिए। तो चलिए, हम अपना क्या लिखना है हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं माई आईडी, ठीक है, माई आईडी। और यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब हमें क्या करेंगे, इसके बाद स्पेस हम दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, जो डिस्ट्रीब्यूटर का मोबाइल नंबर है वो यहाँ हम डाल देंगे। जो मोबाइल नंबर है वो हम डाल देते हैं। और कुछ अंक है जो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर हम शो नहीं कराना चाहते हैं। तो यहाँ पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूटर का डालने के बाद नीचे सबमिट है, यहाँ अपलोड अटैचमेंट। यहाँ कुछ ना डालिएगा फिर भी चलेगा, या ना डालिएगा फिर भी चलेगा। तो यहाँ हम जो डाल देते, जो मोबाइल नंबर डिस्ट्रीब्यूटर का वो डाल देते हैं, ठीक। और यहाँ हम सबमिट कंप्लेंट पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है जो आपको दिखा रहा हूँ। क्या है आखिर, यहाँ लिखा रहा थैंक यू योर रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड, यानी आपका रिक्वेस्ट ले लिया गया है और आपका टिकट नंबर भी दे दिया गया, कंप्लेंट नंबर, और आपको टर्मिनल मैपिंग रिक्वेस्ट न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। आपका नंबर भी यहाँ दिखा रहा है और आप जो लिखे हैं रिमार्क्स में वो डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको 24 घंटा से 72 घंटा के अंदर में आपको नया डिस्ट्रीब्यूटर के पास आपका मोबाइल नंबर यानी आपका आईडी ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर आपका नया डिस्ट्रीब्यूटर 24 घंटा के बाद हो जाएगा, जिसके पास आप भेजे अपना आईडी उनके पास शो होने लगेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से आप अपने मन पसंद डिस्ट्रीब्यूटर के पास अपना आईडी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, प्यार भरा कमेंट कर दीजिए। अगर आप चाह रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो हमेशा देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ऑनलाइन से जुड़ा कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो बना सकूँ।